नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड में बाबा नीम करोली महाराज जी की जो बहुत सारी कथाएं प्रचलित है उसके बारे में बात करेंगे। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास में थे, यानी कि उत्तराखंड में रह रहे थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा नीम करोली एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैराफट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज दी, ओ पूरन पूरन, ओ पूरन, यहां तो आ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूं पूरन। मेरा नाम बाबा नीम करोली है, हमें भूख लगी है, हमें भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे पैराफट पर बाबा नीम करोली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी, पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धुनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा जैसे गुफा में धुनी किसी ने अभी अभी लगाई हो। धुनी के पास चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरन और गांव वाले हैरान थे, उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को इस गुफा के बारे में कुछ ना पता था। पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो नहीं सकती। कंबल लपेटे ये कोई आम आदमी नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहां हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया, साथ ही वहां कुटिया नुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धान करना है। यही कुटिया आज कैची धाम के रूप में विख्यात है। अब आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ दोस्तों। पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवाड़ी के कुछ किस्से। बाबा नीम करोली से जुड़े पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी ने अनेक किस्से बताए हैं। इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैंची धाम हाजिरी लगाते हैं। चूंकि आस्था, भक्ति और विश्वास निजी जीवन के अंग हैं, इसलिए इनसे किसी के अनुभव अपने शब्दों में बताना उचित नहीं है। फिर भी एक छोटी सी घटना के बारे में जिक्र करूंगी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे, संभवतः गृह मंत्री। उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी, तभी अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। बाबा को एक खबर सुनाई तो वो चिल्लाकर बोले, अफवाह है ये, पंत का जीवन अभी शेष है। बाबा जी की बात सही निकले। यूं तो बाबा जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं, यहां सिर्फ दो। पहला बांग्लादेश का। बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आ जाएगा और देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम्हें अपना समय भाई की अगवाही की तैयारी में लगाना चाहिए। उस हालत से, उस समय, उस शख्स को ये सब मुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे होगा, कब होगा, तमाम तरह के सवाल उसके मन में थे। क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानता है बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे।
देखा दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ हम बाबा जी के लिए बोलते हैं, बाबा जी से जुड़ी हुई हैं, और मैं आगे भी आपको कहानियाँ सुनाती रहूँगी। दोस्तों, मेरे को जो कमेंट्स आ रहे हैं कहानियों में, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, बाबा नीम करोली जी की यात्रा को उनके बारे में सुनना पसंद कर रहे हैं और मुझे सजेस्ट भी कर रहे हैं। तो एक सजेशन ये आया था कि मैं हिंदी में भी कहानियाँ सुनाऊँ, उनके बारे में बातें करूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश जिस जिस तरह से मुझे संभव हो पाएगा दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँगी दोस्तों, क्योंकि हम भारतीय तो बाबा जी के बारे में सब कुछ जानते हैं और कई बार हम इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उनकी ख्याति दूर दूर विदेशों में जाए। हालांकि ये पूरे विश्व भर में प्रचलित है, इनके बारे में फेसबुक, एप्पल, आप सब जानते हैं, जब भी इनका नाम लिया जाता है तो इन दो कंपनियों का नाम अपने आप ही इनकी कहानियों में आ जाता है, जो मैं आगे कभी आपको बताऊंगी कि एप्पल और फेसबुक का साक्षात्कार, जूलिया रॉबर्ट्स, ये सब किस तरीके से बाबा जी के साथ जुड़े। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बाहर के दर्शकों का भी ध्यान रखते हुए मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगी और इसमें आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आप मेरा साथ देंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं राम नाम का जाप। जपो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 शांति। जय नीम करोरी बाबा, जय हनुमान, जय श्री राम बाबा, सबका भला करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दें, ताकि मैं इसी सीरियसनेस के साथ, इसी भक्ति के साथ बाबा जी की सेवा में लगी रहूं। नमस्कार।